जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल के यूनिट सेकंड के लेक्चर फर्स्ट के बारे में। बीएससी बीएड थर्ड ईयर के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। आज जो बीएससी फाइनल ईयर की है सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। इससे पहले वाले यूनिट के अंदर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के उद्भव के बारे में पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, किन कंडीशनों के कारण के अभी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई और किन कंडीशनों के कारण के अभी हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। आज हम डिस्कस करते हैं भी तरंग संघ के बारे में या वेव पैकेट्स क्या होते हैं उसके बारे में। भी एक चीज हमने पढ़ी थी भी डी ब्रोगली क्या बताता है भी जिस प्रकार क्या होती है भी तरंग क्या है भी कण के समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार के भी गतिशील द्रव्य कण भी क्या भी तरंग के समान व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार के भी गतिशील द्रव्य कण भी क्या होता है भी तरंग के समान व्यवहार करना चाहिए। ये बात क्या भी हमने पढ़ी थी कि अभी इस प्रकार से कि अभी गतिशील द्रव्य कण की जो तरंग होगी वो क्या होगी भी एक सिंगल तरंग के रूप में होगी या भी वेव पैकेट्स के रूप में होगी। इस प्रकार को क्या अभी इस घटना के अंदर क्या अभी जानेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भी एक तरंग के रूप में, फिर उसके अंदर क्या कमियां आ जाती हैं उसके अकॉर्डिंग क्या अभी वेव पैकेट्स की कल्पना होगी। अच्छा टॉपिक है, देखेंगे आज वेव पैकेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं भी अपना तरंग संघ की अवधारणा क्या है कि जिस प्रकार डी ब्रोगली ने बताया था भी जिस प्रकार तरंग क्या है भी कण के समान व्यवहार करती है, उसी प्रकार क्या है भी गतिशील द्रव्य कण भी क्या होता है भी तरंग के रूप में क्या है भी होना चाहिए। भी जिस प्रकार तरंग कण के समान व्यवहार करती है उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी क्या है भी तरंग के समान व्यवहार करना चाहिए। अब देखते हैं भी तरंग संघ की अवधारणा क्या होती है। भी मान लीजिए भी कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो वो क्या है भी तरंग के समान क्या करता है भी व्यवहार करता है। ये मान लो कि अभी आपका चित्र तरंग का हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई भी आपकी वेवलेंथ लैम्डा हो गए। तो तरंग से संबंध कण का समवेग क्या हो जाएगा, समवेग डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन फाइंड किया था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बी एच अपॉन बी होता है। और यहाँ पे क्या है बीपी के किसी पार्टिकल के मोमेंटम को बताता है और ये क्या है बी किसी पार्टिकल की वेवलेंथ को क्या भी किसी तरंग की सॉरी पार्टिकल नहीं तरंग की क्या भी तरंग दैर्ध्य को डिनोट करता है। भी ये रिलेशन क्या है कण की प्रकृति को भी शो करता है और तरंग की प्रकृति को भी क्या करता है भी शो करता है। तो इस रिलेशन से क्या अभी हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी भी एच अपॉन लैम्डा। पी यहाँ पे संवेग है, एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है और लैम्डा क्या है भी तरंग दैर्ध्य है किसी तरंग के। तो आगे देखिएगा एच अपॉन टू पाई से भाग दे दो, टू पाई से क्या भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, एच अपॉन टू पाई क्या हो जाएगा भी एच कट हो जाएगा, टू पाई अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा भी के हो जाएगा, ठीक। जहां क्या है भी एच कट क्या है भी एच अपॉन टू पाई, एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होगी 1.0541 × 10⁴ जूल सेकंड। क्लियर है आप के यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है 2π/λ तरंग संचरण नियतांक, ठीक है। अब क्या है भी तरंग से संबंध कण की
ऊर्जा क्या हो जाएगी, तरंग से संबंध कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी वो देखिएगा। इक्वल टू क्या होता है अभी, एच न्यू होता है, एच यहां पे प्लांक नियतांक है, न्यू यहां पे कण की आवृत्ति है, तो एच अपॉन टू पाई न्यू, और इसको लिख सकते हैं एच कट ओमेगा, लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या है यहां पे टू पाई न्यू, ये क्या अभी कण की कोणीय आवृत्ति। ठीक है, दो रिलेशन क्या अभी फाइंड हो गए, एक तो क्या है बी पी इक्वल टू क्या होता है बी एच कट के होता है, दूसरा क्या होता है बी इक्वल टू क्या होता है बी एच कट ओमेगा होता है। इसे आगे देखते हैं अभी हम, दोनों रिलेशन का यूज होगा, एक साइड में लिख लेते हैं अपने पी इक्वल टू क्या है आपका एच कट के है, और यह है कि इक्वल टू क्या भी आपका एच कट ओमेगा है, और के यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है, और ओमेगा यहाँ पे कण की कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, आगे देखिए, बी प्लस एक्स दिशा में गतिशील कण के तरंग के समान व्यवहार करेगा, तरंग लिख दो, गतिशील तरंग के तरंग फलन को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, को ये याद रख लेना, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं इसको, वेव फंक्शन की बात कर रहा है, साइन एक्स टी एक्स डायरेक्शन है, टी टाइम के ऊपर है, ए कॉन्स्टेंट ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहां पे जो जे दर्शाए गए वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है, भी जो अपने ई की आयोटा थीटा मानते हैं वो क्या होते भी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। आयोटा क्या है भी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भी यहाँ पे माइनस वन होती है। ठीक है, भी इस प्रकार से क्या भी यहाँ पे कहने का मतलब ये बात आ गई भी आपके सामने, भी यहाँ पे जो जे से डिनोट किया गया है वो सेम आयोटा की कंडीशन को अप्लाई करेगा, भी जो कंडीशन क्या होती है भी हम आयोटा के मानते हैं वहां पे जे डिनोट कर दिया गया है, भी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जहां पे आयोटा है वो ही जे है। ठीक है, भी बुक के अंदर जे से डिनोट किया हुआ है। अब के भी इस क्वांटिटी को जो तरंग फलन दिया गया है, वेव फंक्शन दिया गया है, उसको क्या है भी आप मोमेंटम में पी और ई की यूनिट की में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा भी आपका साइन एक्स टी ए ई की पावर जे के की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके पास पी अपॉन एच कट एक्स, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके पास ई अपॉन एच कट टी, तो यहां पे ए ई की पावर जे, तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी अपॉन एच कट क्या हो जाएगा भी कॉमन आ गया। इस प्रकार से क्या है भी इस फॉर्म को प्लस एक्स दिशा में गतिशील कण के वेव फंक्शन को क्या तरंग के समान व्यवहार करेगा उसको क्या भी तरंग फलन को इस प्रकार से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है,
अब एक कंडीशन और देखिएगा भी, जिस प्रकार से अपने बताता है भी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग भी क्या गतिशील द्रव्य कण भी क्या भी तरंग के समान क्या करता है भी बिहेवियर करता है। तो तरंग के अंदर भी क्या होगा भी कण उपस्थित होगा तो तरंग फलन द्वारा निरूपित कण के कहीं पर पाए जाने की प्रायिकता, निरूपित कण के कहीं पर पाए जाने की प्रायिकता, ये क्या कहना चाहते हैं यहां पे देखिएगा सोचिएगा। बी गतिशील द्रव्य कण क्या है तरंग के समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो तरंग के अंदर वो कण क्या अभी कहीं ना कहीं क्या होगा अभी उपस्थित होगा, ठीक है। तो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी केस क्या होगी, वो क्या वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखिएगा। प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करेंगे, ये क्या होते हैं साइन एक्स टी की स्क्वायर और साइन स्टार एक्स टी साइन एक्स टी इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। भी द्वारा देखिएगा भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, भी गतिशील द्रव्य कण होगा तरंग के समान व्यवहार करेगा और तरंग के अंदर के अभी कण कहीं न कहीं उपस्थित होगा तो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस प्रकार, या किस पे के ऊपर डिपेंड करेगा कहां स्थित होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालते हैं। साइन स्टार एक्स टी का क्या हो जाएगा भी आपका ए कंजुगेट डिनोट करता है तो इसका आयोटा या जे ए की बात है, जे के एक्स माइनस ओमेगा टी ए ई की पावर जे के एक्स माइनस ओमेगा टी। कैंसिल आउट हो जाएगी, जे है यहाँ ई की पावर जीरो वन होती है तो ए स्क्वायर। कहने का मतलब किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है भी वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात क्या भी बता सकते हैं भी जो पाए जाने की प्रायिकता न तो समय के ऊपर डिपेंड करती है न क्या भी उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है, ना तो समय के ऊपर डिपेंड करती है ना उसकी क्या अभी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर सकती है। बट एक मान सकते हैं भी कण क्या अभी उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा अभी उपस्थित ही होगा तो उसकी जो वेव फंक्शन या तरंग के अंदर भी कण की स्थिति कहां से लेके कहां तक हो जाएगी, भी कण उपस्थित तो होगा ही नॉर्मल सी बात है, वो क्या हो जाएगी भी माइनस इन्फिनिटिव से लेके एक्स इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी हो सकता है, डिपेंड तो नहीं कर रहा भी अपने के वैल्यू को फाइंड ही नहीं कर सकते। बट क्या होगा भी तरंग है तो कण तो क्या है भी वहां पे उपस्थित ही होगा कहीं ना कहीं, तो उसकी पाए जाने की माइनस इन्फिनिटिव से लेके क्या हो सकता है भी इन्फिनिटिव हो सकता है। इसी के इसी बात को पढ़ते पढ़ते भी हमें एक सिद्धांत याद आता है भी हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, वो यहाँ पे क्या अभी सेटिस्फाई होता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है याद है तो आपको भी एक समय पर भी किसी गतिशील कण का भी कोई गतिशील कण के अभी किसी दिशा के अंदर गति कर रहा है उसकी एक समय पर एक साथ के अभी उसके स्थिति तथा संवेग का यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता, उन दोनों में क्या अभी कुछ अनिश्चितताएं पाई जाती है और दोनों की अनिश्चितताओं का गुणनफल एच कट वाई टू के बराबर या उससे क्या होता है भी ज्यादा होता है। तो हम मान सकते हैं भी निश्चित संवेग हो तो वहां पर स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी भी इन्फिनिटिव होगी, ठीक है। भी एक साथ क्या संवेग और उसकी पोजिशन का क्या भी मापन नहीं किया जा सकता भी स्थिति में अनिश्चित डेल पी इक्वल टू जीरो यहाँ पे इस बात को डिनोट करता है भी निश्चित संवेग है फिक्स है, ठीक है।
भी कोई भी यहाँ पे क्या भी मोमेंटम उसका ये है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी पोजीशन को क्या भी फाइंड नहीं कर सकते। यही बातें हमारे सामने यहाँ से निकल के आती है। तो तरंग फलन क्या भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को क्या करता है, भी सेटिस्फाई करता है। अब क्या भी उससे हम आगे डिस्कस करते हैं। एक बात तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत तो प्रूव हुआ तरंग फलन के अकॉर्डिंग। अब डिस्कस करते हैं भी तरंग संघ की क्यों जरूरत पड़ी। देखिएगा वो यदि स्मॉल m द्रव्य कण का द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है, यदि स्मॉल m द्रव्य कण का द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर एम सी स्क्वेयर तथा क्वांटम यांत्रिक या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा प्लांक की क्वांटम सिद्धांत से ऊर्जा इक्वल टू क्या एच न्यू होती। तो यहां से दोनों की तुलना करें भी एम सी स्क्वेयर इक्वल टू एच न्यू और न्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी भी एम सी स्क्वेयर अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, एक लेसन तो ये फाइंड हो गया। अब क्या भी आगे डिस्कस करते हैं डी ब्रोगली के अनुसार। डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी होता है एच अपॉन एम वी। यहाँ पे लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, एच प्लांक नियतांक है, एम क्या है किसी कण का द्रव्यमान है, सी क्या है उस कण का वेग है। ठीक है, वी यहाँ पे क्या है भी कण का वेग है। अब क्या भी द्रव्य तरंग का कला वेग क्या होगा। द्रव्य तरंग का कला वेग क्या हो जाएगा अपना फेज वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी आपके वीपी से डिनोट करते हैं न्यू लैम्डा। वीपी न्यू की वैल्यू क्या है भी हमारे पास एम सी स्क्वायर एच, लैम्डा की वैल्यू क्या है भी आपके पास एच अपॉन एम वी, एच से एच एम सी एम सी स्क्वायर अपॉन वी आ गया। बी फेज वेलोसिटी आपके सामने क्या निकल गया है कि वी पी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। क्या चीज निकल के आई भी आपके सामने Vp इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी, Vp इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। वी यहां पे क्या है भी द्रव्य तरंग का कला वेग, सी क्या है भी यहां पे प्रकाश का वेग, वी यहां पे क्या है भी कोण का। अब भी कंडीशन के अंदर डिनोट करते हैं भी यहां पे मान लो क्या भी कण है वी कण का वी कहीं भी हो सकता है और ये मान लो क्या भी वी पी है
ठीक है। भी कोई गतिशील कण है वो क्या है, भी तरंग के समान व्यवहार करता है, ठीक है। तो इस द्रव्य तरंग का जो कला वेग है वो तो मान लो कि Vp है, वो तरंग के अंदर क्या कण कहीं भी हो सकता है, कण का वेग मान लो क्या है भी V है, ठीक है। अब एक बार डिस्कस करते हैं भी यहाँ पे वेव पैकेट्स की कल्पना क्यों की है या क्यों होता है। भी हमेशा मानते हैं भी कण का वेग सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है। कण का वेग क्या होता है, सदैव प्रकाश के वेग से कम होता है। कण का वेग मान लो आपका क्या है भी v है, वो हमेशा प्रकाश के वेग से क्या होगा भी कम होगा, ठीक। यदि ये कंडीशन होगी, यदि क्या है भी ये कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी v क्या है भी c से कम होगा, तो कण जो फेज वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी भी ज्यादा होगी। दोबारा देखिएगा भी कण का वेग सदैव प्रकाश के वेग से क्या होता है भी कम होता है। ये कंडीशन होगी तो क्या होगा भी जो फेज वेलोसिटी होगी वो प्रकाश के वेग से क्या होगी भी ज्यादा होगी। ये कंडीशन होगी तो इसके कारण लिख सकते हैं अंततः द्रव्य तरंग का कला वेग Vp प्रकाश के वेग से ज्यादा होगा। Vp क्या है भी प्रकाश के वेग से क्या होगा भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर एक भी बात ये भी स्पष्ट होगी भी द्रव्य तरंग का जो कला वेग है वो प्रकाश के वेग से क्या होगा भी अधिक होगा। तो इसके अंदर एक सामने भी और हमारे सामने निकल के आती है, ठीक है। भी वी दिया हुआ है, वी से ज्यादा क्या है भी सी है, सी से ज्यादा क्या है भी वीपी होगा, भी वीपी क्या होगा भी आपका ज्यादा होगा। जब क्या है वीपी ज्यादा होगा तो बोल सकते हैं भी अपने द्रव्य तरंग का कला वेग वीपी कण के वेग v से ज्यादा होगा। दोबारा एक मिनट और देख लीजिएगा भी ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। कण का वेग सदैव प्रकाश के वेग से क्या होता है भी कम होता है, तो v लेस देन c हो गया, ठीक है। और जब ये कंडीशन होगी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो द्रव्य तरंग का कला वेग वीपी प्रकाश के वेग से ज्यादा होगा। भी ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी तो ये वीपी क्या है भी इसके वेग से क्या होगा भी ज्यादा होगा। तो एक बात स्पष्ट आपके सामने आती है भी वी से ज्यादा सी है और सी से ज्यादा क्या है भी वीपी है। तो बोल सकते हैं भी द्रव्य तरंग का कला वेग वीपी कण के वेग से वी से ज्यादा होगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी या एक ऐसा टाइम आएगा, उस टाइम के ऊपर हमारे पास क्या प्राप्त होगा भी तरंग क्या है भी आगे निकल जाएगी, कण क्या रह जाएगा भी पीछे रह जाएगा। भी एक ऐसी कंडीशन आएगी इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला और इनकी कंडीशनों के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंडीशन हमारे सामने आएगी जब क्या है भी द्रव्य तरंग का कला वेग वीपी क्या है भी कण के वेग से ज्यादा होता है। ये तो कन्फर्म हो गया, तो ज्यादा हो गया तो एक ऐसी कंडीशन के अंदर कण तो हमारा पीछे रह जाएगा, तरंग क्या होगी भी हमारी आगे चली जाएगी। तो ये क्या है भी ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती, ऐसी पोजीशन क्या है भी कभी नहीं हो सकती भी कण तो क्या भी आगे चला भी तरंग तो क्या भी आगे चले जाए कण क्या है भी पीछे चले जाए इस फॉर्मूले की सहायता से। तो ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। तो हमारे सामने एक कंडीशन आती है भी वहां पे क्या भी सिंगल तरंग नहीं हो सकती, वहां पे क्या होगा भी एक वेव पैकेट्स होगा और
भी कोई भी कण है गति करता है तो उसकी सिंगल एकक तरंग नहीं हो सकती या सिंगल तरंग नहीं हो सकती, वहां पे क्या होगा भी एक वेव पैकेट्स होगा। और वेव पैकेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं अगले लेक्चर के अंदर, किस प्रकार से वेव पैकेट्स होगा, किस प्रकार की कंडीशन होगी वो देखते हैं हम भी अगले लेक्चर के अंदर।